सो वेल गाइज, आज हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं 2020 की कुछ टॉप मूवीज जिनका इंतजार भाई हम सभी लोग कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हॉलीवुड मूवीज की और बॉलीवुड मूवीज की भी, बेसिकली साउथ मूवीज की नहीं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट हॉलीवुड मूवी से। सो फर्स्ट हॉलीवुड मूवी जिसका इंतज़ार मैं कर रहा हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ कि आप भी उसका इंतज़ार कर ही रहे होंगे, बहुत से लोग उसके बारे में जानते हैं, वो मूवी है हमारी टेनेट। एंड भाई, इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं क्रिस्टोफर नॉलन एंड इसके अंदर एक इंडियन एक्ट्रेस होने वाली है। एंड भाई, टेनेट मूवी का एक शॉर्ट सीन मुंबई में भी शूट किया गया है। एंड नेक्स्ट वो 2020 की मूवी है जो कि बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जिसके लिए, वो है हमारी ब्लैक विडो। भाई, हमारे मार्वल की फेज 4 की पहली मूवी ब्लैक विडो हमें देखने को मिलने वाली है। एंड इस मूवी के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा मार्वल आखिर किस डायरेक्शन में अपने फेज 4 को ले जाना चाहता है। एंड इसके बाद जिस मूवी के लिए मैं वंडर वुमैन 1984, ये मूवी भी भाई मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाला हूँ। ऑफकोर्स इस मूवी में बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है एंड इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन में बिल्कुल भी नहीं बना पाया। मैंने सोचा था मैं इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन बनाऊंगा, बट फिर मेरे एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ गई एंड फिर मैंने कहा छोड़ो, चलो मैं बाद में इस कभी देख लूँगा, फिर मुझे अभी तक टाइम ही नहीं मिला। बट मैं इस मूवी को पक्का एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर इस मूवी में हमें क्या दिखने को मिला है, इस मूवी को मैं पक्का एक्सप्लेन करूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एंड भाई, हमारी वंडर वुमन 1984 रिलीज़ होगी 5 जून 2020। और भाई, हॉलीवुड कैटेगरी की लास्ट मूवी जो आती है जो कि मैं देखना चाहता हूँ, वो है बर्ड्स ऑफ प्रे। जी हाँ, बर्ड्स ऑफ प्रे भाई डीसी यूनिवर्स की बहुत ही बढ़िया मूवी होने वाली है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाला हूँ। इस मूवी को भी एक वंडर वुमैन, एक बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे के पोस्टर ही इतने गजब गजब आए थे, मतलब कि बहुत मज़ा आया पोस्टर से, और जब मैंने देखा इसका फर्स्ट लुक वो भी काफ़ी गजब लगा बर्ड्स ऑफ प्रे का। सो हॉलीवुड मूवीज़ की कैटेगरी यहीं पर ख़त्म होती है एंड यही कुछ 2-4 मूवी थी जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। अब आ जाते हैं हमारी बॉलीवुड मूवीज़ पर। हाँ, बॉलीवुड के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। सो 2020 की बेस्ट मूवी जो कि आने वाली है दीपिका पादुकोण की, वो है हमारी छपाक, जिसकी रिलीज डेट है 10th of January 2020। एंड भाई, ये मूवी काफ़ी गजब की होने वाली है। नेक्स्ट जो मूवी आती है जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है तानाजी द अनसंग वॉरियर। एंड भाई, ये होने वाली हमारी अजय देवगन की मूवी है एंड रिसेंटली कोलैब आने वाला है हमारे अमित बड़ाना एक्स अजय देवगन, बाकी सब आप समझ ही गए होंगे। एंड 21st February 2020 को आने वाली है मूवी, गेस करो कौन सी मूवी आने वाली है, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। मतलब ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा भयंकर होने वाली है, अब ज़्यादा जल्दी रिलीज़ होगी आपकी और हमारी शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। तो बस सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मतलब गजब होने वाला है इस मूवी में। और फिर 27 को आने वाली है हमारी अक्षय कुमार सर की मूवी सूर्यवंशी। ये मूवी भी भाई काफ़ी भयंकर होने वाली है एंड अक्षय कुमार सर की ये मूवी है, अक्षय सर की हमारी ये मूवी है। सो इस मूवी में हमें एक्शन तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलने वाला है। और आपको सिम्बा मूवी से पता ही चल गया होगा कि रोहित अपना एक अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं। एंड भाई, मूवी के अंदर एक ऐसा सीन होने वाला है जहाँ पर अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन साथ में हमें दिखने वाले हैं। एंड भाई, नेक्स्ट मूवी रणवीर सिंह की है जो कि 10th of April को आने वाली है। उस मूवी का नाम है 83। एक्चुअली 1983 में इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता है उसी टाइमलाइन पर वो मूवी बेस है। एंड भाई, रणवीर सिंह कपिल देव का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं एंड ये मूवी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाली है। नेक्स्ट जो मूवी है उसका वेट मैं नहीं कर रहा, उसका वेट आप भी कर रहे हो। जी हाँ, उसका वेट आप भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग उसका वेट कर रहे हैं। और उस मूवी का नाम है KGF Chapter 2। इसका मतलब रीज़न एक्सप्लेन करने के लिए कोई जगह है ही नहीं कि क्यों इस मूवी का कोई वेट करना चाहेगा, ठीक है, तो इसके बारे में फ़िलहाल मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। और हाँ, एक और बात, ये हमें देखने को मिल सकती है 2020 के अराउंड मिड में, मतलब कि बीच में कभी देखने को मिल जाएगी, अभी फ़िलहाल इसकी जो रिलीज डेट है वो कन्फर्म नहीं है। सो 25th December 2020 को आमिर खान की एक मूवी आने वाली है, लाल सिंह चड्ढा, गजब है। एंड इस मूवी के बारे में जिनको ये बात नहीं पता, मैं बता दूं कि ये मूवी रीमेक होने वाली है फॉरेस्ट गंप मूवी का। एंड साथ ही में नेक्स्ट मूवी अक्षय कुमार की पृथ्वीराज, जो कि जल्द ही दिवाली पे आने वाली है ऐसा सुनने को मिल रहा है।
एंड कुछ और मूवीज के मैं नाम लेना चाहता हूँ जिनकी रिलीज डेट अभी तो फिलहाल कंफर्म नहीं है, बट ये बहुत ही बड़ी मूवीज हैं, देख लेते हैं उनको भी जल्दी जैसे से। पहली मूवी है हमारी ब्रह्मास्त्र, ये बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, एंड पता भी नहीं है कि ये 2020 में रिलीज होगी या फिर इसकी रिलीज डेट 2021 चली जाएगी। एंड जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ये 3 मूवी की सीरीज में पहला पार्ट होने वाला है। एंड भाई नेक्स्ट मूवी हमारी होने वाली है राजा मौली की, RRR या फिर कह सकते हो RRR। इसकी रिलीज डेट बताई जा रही है July 30, 2020, पर कोई भी कंफर्मेशन अभी नहीं आई है कि ये तभी रिलीज होगी। फिलहाल तो अभी देखते हैं कि ये कब रिलीज होती है। अगर आपको इस मूवी के बारे में कुछ नहीं पता है तो जाके इंटरनेट पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट मूवी मैं वो मूवी देखने जाऊंगा, शायद देखने जाऊंगा, वो है हमारी डू लिटिल। इस मूवी फास्ट ही RDJ को इसलिए मेरे ख्याल से किया गया है ताकि वो मूवी ग्रैंड सक्सेस हो जाए। मेरे ख्याल से कि वजह से वो मूवी ग्रैंड सक्सेस पे चली जाएगी, और इसीलिए मैं वो मूवी देखने भी जाऊंगा, क्योंकि फिलहाल हमारे MCU में RDJ को कब दिखाया जाएगा वो फिलहाल कंफर्म नहीं है, तो पुरानी ऐसे ही कुछ मूवीज में हमें उनको देखना पड़ेगा, तो डू लिटिल को देखने चला जाऊंगा मैं। एंड बैकग्राउंड में कभी आपको मार्वल का कुछ देखने को मिल रहा होगा कि वो चल रहा है, कभी कॉल ऑफ ड्यूटी का चल रहा है, बिकॉज भाई मैं जब गेम प्ले कोई रिकॉर्ड गेम प्ले जब बैकग्राउंड में कुछ कोई चला रहा था तो मेरी रिकॉर्डिंग बीच बीच में रुक जा रही थी, इसी वजह से ये ऐसा हो रहा था। एंड वीडियोस अब मैं रेगुलर तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, ऐसे ही वीडियोस अपलोड कर पाऊँगा, न्यूज़ वीडियोस बहुत कम अपलोड कर पाऊँगा, सो थोड़ा सा देख लेना, हो सकता है आगे मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, बट देखते हैं आगे क्या होता है। टिल देन।